please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से प्रिंटेबल थ्री फोल्ड ब्रोशर डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया था, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपके पास जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का वर्जन है भी, तो आप इजीली यहां पर किसी भी तरीके का डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ब्रोशर डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आपको पेज का साइज क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों, बेसिकली ब्रोशर डिज़ाइन का साइज, जब आप एक फोल्ड ब्रोशर डिज़ाइन यानी कि एक पेज का ब्रोशर डिज़ाइन वगैरह करते हो, तो आपको सिंपल A5 साइज का पेपर का साइज देना चाहिए। अगर आपके पास A4 पेपर के अंदर आप थ्री फोल्ड ब्रोशर डिज़ाइन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप A4 साइज का पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर लेआउट के अंदर क्लिक करते हुए आपको साइज के अंदर क्लिक करते हुए आपको दोस्तों A4 साइज सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया A4 साइज, और उसके बाद दोस्तों आपको ओरिएंटेशन लैंडस्केप यानी कि ये अभी पेज प्रोटेक्टिव मोड पर है, अब आपको सिंपली लैंडस्केप मोड के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको मार्जिन वगैरह नैरो करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने मार्जिन कम किया है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको डिज़ाइन करने के लिए इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली शेप्स के ऊपर में क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, क्लिक करना है। जस्ट आपको क्लिक करने के बाद इतना आपको यहाँ पर शेप ड्रॉ होगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको फॉर्मेट के राइट साइड के अंदर जाकर आपको यहाँ पर साइज और हाइट वेट का साइज देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर हाइट देना है 8.27 इंचेस, यानी कि A4 साइज का ये वो हाइट है दोस्तों, यानी कि मैंने लैंडस्केप मोड के अंदर किया था, उसलिए यहाँ पर हाइट 8.27 इंचेस। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वेट 3.89 इंचेस करना है, यानी कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पर तीन फोल्डेड बनाने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3.89 इंचेस कर रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक शेप क्रिएट होकर आ चुका है। अब आपको सिंपली आउटलाइन के ऊपर में शेप आउटलाइन के ऊपर में क्लिक करते हैं, आपको नो आउटलाइन के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको प्लेसमेंट करना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप प्लेसमेंट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इसको सबसे पहले तो फोल्डेड का शेप बनाना है, उसके लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करते हुए आपको फॉर्मेट शेप्स के ऊपर में क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली फिल के ऊपर में क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ग्रेडियंट फिल के ऊपर में जाना है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी ग्रेडियंट स्टॉप्स लगाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सभी स्टॉप्स है, तो सिंपली आपको एक एक स्टॉप्स को आपको इस तरीके से क्लिक करते हुए यहाँ पर क्लिक करते हुए डिलीट करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसको कलर दिया है दोस्तों, ये वाला कलर, और यहाँ पर मैं जो बिल्कुल व्हाइट कलर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना व्हाइट हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन चेंज करना है, ये वाला डायरेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर इस तरीके से फिल करना, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, ताकि दिखने में और भी प्यारा लुक लगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर किया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँगा, इधर करने के बाद दोस्तों आपको इसको ट्रांसपेरेंसी 0 करूँगा, ब्राइटनेस 100 करूँगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्लैक के अंदर क्लिक करूँगा। ये व्हाइट को मैंने ट्रांसपेरेंसी 0, ब्राइटनेस 100 किया, उसके बाद दोस्तों ब्लैक के अंदर क्लिक करते हैं, ट्रांसपेरेंसी मे बी 91 के आसपास करूँगा दोस्तों, 91 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर 91 कर रहा हूँ, ब्राइटनेस 0 ही करूँगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर बना चुका हूँ दोस्तों ये शेप। उसके बाद दोस्तों आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों अभी इसको क्या करना है, इसको फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हुए आपको जाना है दोस्तों रोटेट के अंदर, क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर रोटेट फ्लिप वर्टिकल करना है, यानी कि कुछ इस तरीके से होराइजेंटल करना है। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको इसको यहाँ पर प्लेसमेंट करना है, इसको इधर के साइड प्लेसमेंट करना है। तो उससे देखिए कितना प्यारा तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट किया है। अब आपको क्या करना है, इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए या फिर शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते हुए इसको आपको इस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट करना है। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से दो फोल्ड मैंने यहाँ पर आप बना चुका हूँ कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, शेप वगैरह क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, शेप्स के ऊपर में जाकर मैं यहाँ पर एक ये वाला रेक्टेंगल शेप सेट करना चाहूँगा। तो कुछ इस तरीके से मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों देखिए। उसके बाद इसको मैं यहाँ से रोटेट करना चाहूँगा, तो कुछ इस तरीके से इसको मैं रोटेट करूँगा। रोटेट करने के
बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ पर प्लेसमेंट करूँगा कुछ इस तरीके से, इसको बढ़ा करते हुए यहाँ पर मैं इसको प्लेसमेंट करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट कर रहा हूँ। करने के बाद दोस्तों आपको इसको सेव फिल नो आउटलाइन करना है, उसके बाद आपको इसको जो भी कलर देना है दे सकते हो, फिलहाल के लिए वाला ये वाला कलर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इसको मैं सेंड बैकवर्ड करूँगा ताकि यहाँ पर सब कुछ ईजिली बैक हो जाए। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर कटआउट का एक लुक यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप भी इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर कटआउट का शेप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, जस्ट आपको यहाँ पर जो भी इमेजेस आपको पसंद है वही इमेजेस यहाँ पर फिल करना है ये वाला शेप्स के अंदर। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है, शेप फिल पिक्चर्स, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको फ्रॉम फाइल करना है, जहाँ पर आपके पास इमेजेस है वही इमेजेस आप सेट कर लीजिए। फिलहाल के लिए दोस्तों मेरे पास डी ड्राइव के अंदर इमेजेस है, तो सिंपली मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग का इमेजेस यूज़ करना चाहूँगा। तो मुझे मेरे पास यहाँ पर एक बिल्डिंग का इमेजेस होना चाहिए, तो इसको मैं सबसे पहले तो इस तरीके से बड़ा करूँगा। तो दोस्तों कि ये वाला मैं यहाँ पर पिक्चर्स फिल करना चाहूँगा, तो इसको इंसर्ट करूँगा। तो इंसर्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, तो इसको आपको सिंपली फिक्स करने के लिए राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट शेप्स के ऊपर में क्लिक करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, रोटेट विद शेप के अंदर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शेप देखने को मिलेगा। तो इतना तो यहाँ पर हो चुका, अब आपको क्या करना है इसको फॉर्मेट के ऊपर में, यहाँ पर देखिए ये पिक्चर्स का फॉर्मेट है, ये शेप का फॉर्मेट है। तो सिंपल है, पिक्चर्स फॉर्मेट के ऊपर में जाकर आपको यहाँ पर क्रॉप के ऊपर में क्लिक करते हुए आपको क्रॉप के अंदर क्लिक करना है। जो भी आपको इमेजेस जहाँ जहाँ पर आपको दिखाना है, जितना पार्ट आपको एडजस्ट होकर दिखाना है, तो आप इसी तरीके से दिखा सकते हो। जो भी आपको पार्ट दिखाना है तो इस तरीके से ड्रैग ड्रॉप करते हुए दिखा सकते हो। आपको चाहे तो इसको इधर के साइड करते हुए, आपको इसको थोड़ा सा छोटा करते हुए, आप इस तरीके से मेंटेनेंस वगैरह करते हुए आपको यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर शेप दे चुका हूँ। फिर से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा, ये वाला को मुझे यहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा सा क्रॉप करते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा ही करना चाहिए मुझे लगता है। तो इसको यहाँ पर प्लेसमेंट करूँगा ताकि ये बिल्डिंग मुझे अच्छे से दिख जाए। तो ये वाला तो कितना प्यारा लुक यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, देखिए। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर सिंपली डिजाइन वगैरह कर सकते हो। उसके लिए सिंपली इंसर्ट शेप्स, शेप्स ही आपको ढेर सारा यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली इस तरीके से रेक्टेंगल शेप्स यूज करते मैं यहाँ पर कुछ यूनिक सा शेप क्रिएट करना चाहूँगा। तो यहाँ से मुझे इस तरीके से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों देखिए, और उसके बाद इसको मैं आउटलाइन नो करूँगा, और यहाँ पर मुझे ये वाला ऑरेंज कलर फिल करना है। तो यहाँ पर ये वाला ऑरेंज कलर है, तो इसको मैं यहाँ पर और डार्क ऑरेंज सेलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा डार्क, और कुछ इस तरीके से दोस्तों देखिए कितना डार्क है। इसको मैं यहाँ पर सेट कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैनेज वगैरह कर चुका हूँ, तो इसको मैं सिंपल है दोस्तों, इसको मैं आउटलाइन रिमूव कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर एडिट शेप्स के ऊपर में जाकर एडिट पॉइंट के ऊपर में क्लिक करते हुए इसका पॉइंट थोड़ा सा नीचे करूँगा, यानी कि कंट्रोल या फिर आपको सेफ्ट होल्ड करते हुए इसको इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग करना है, जितना हो सके आपको इस तरीके से ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने के बाद दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा मुझे यहाँ पर राइट की तरफ ज़्यादा है जैसा लग रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा फिक्स करूँगा इधर करते हुए, मुझे अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट किया है दोस्तों, देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर शेप क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसी शेप को कंट्रोल होल्ड करते हुए इसको यहाँ पर कॉपी करना है, इसके अंदर एग्जैक्टली यहाँ पर आपको प्लेस करना है। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर प्लेस हो चुका है। जब आपको प्लेस नहीं हो रहा है जैसे लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा एडिटिंग में चेंजेस करना है। तो इसको आपको थोड़ा सा इस तरीके से नीचे की तरफ करना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी फिक्स हो चुका है। थोड़ा सा फिक्स नहीं हो रहा जैसे लग रहा है, तो इसको मैं फिर से एडिट शेप, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर फिक्स करूँगा ताकि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो क्या करो दोस्तों, इसको अब आपको सेंड बैकवर्ड कर लीजिए ताकि यहाँ पर कुछ डिजाइन जैसा लुक आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको भी सेंड बैकवर्ड, या फिर ये तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, यहाँ पर ठीक ठाक ही लग रहा है। इसको बैक करने के बाद दोस्तों ये भी बैक हो जाएगा, बट मुझे ये बैक नहीं करना है, इसको भी मुझे बैक नहीं करना है, जस्ट इतना ही रखना है। तो इतना रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल डिजाइन वगैरह करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ इसको फॉर्मेट के ऊपर में क्लिक करते हैं, इसको
एडिट पॉइंट के ऊपर में क्लिक करते हो, इस वाले पॉइंट को भी आपको शिफ्ट होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ इस तरीके से लेकर जाना है। तो दिखने में कितना प्यारा लुक निकल कर आ जाएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से। तो इतना तक तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कलर और इसके ऊपर में थोड़ा सा कॉलर देना है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर मुझे कॉलर देने के लिए ये वाला शेप तो पक्का ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं इस तरीके से रोटेट करूँगा और यहाँ से मुझे इसको एडजस्ट करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट करूँगा और यहाँ पर मुझे पॉइंट एडजस्ट करना है। जस्ट इसको मैं ये वाला पॉइंट एडजस्ट करूँगा तो इधर के साइड और इसको इधर के साइड और यहाँ पर मुझे इसको थोड़ा सा मैनेज, तो इस तरीके से आउटलाइन रिमूव और यहाँ पर मुझे इसको ब्लैक कलर फिल करना है या फिर ये वाला ब्लैक। आप चाहे तो जो ब्लैक आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल है दोस्तों, आपको यहाँ से मैनेज करना है, इसको थोड़ा सा मैनेज वगैरह करते हुए आपको यहाँ पर प्लेसमेंट करना है। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर मुझे ब्लैक कलर भी फिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर फिट करना है तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ पर भी इसी तरीके से सेट करना है, आपको इस तरीके से रोटेट करना है और इसको यहाँ पर प्लेसमेंट करना है और इसको एडिट पॉइंट के ऊपर में क्लिक करते हुए इसको वाले पॉइंट को यहाँ से नीचे की तरफ इस तरीके से लेकर आना है। तो दिखने में काफ़ी कूल सा लुक लाएगा और इसको आउटलाइन लो ब्लैक कलर सेम और इसको राइट साइड इस तरीके से आपको करते हुए मैनेज करना है। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर काम हो चुका है। मैंने सब कुछ शेप्स का काम कंप्लीट किया है। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों ये शेप, तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करते हुए मैं अपने तरीक़ों से एडिटिंग करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं इसको शेप के ऊपर मैं क्लिक करते हुए यहाँ से मुझे शेप ऐड करना है कुछ इस तरीके से। इसको मैं इस तरीके से करूँगा और इसको सेंड बैकवर्ड करूँगा। दोस्तों देखिए कितना प्यारा लुक निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कंप्लीट मैंने इतना तक तो शेप का काम कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट का काम करना चाहूँगा। जो भी टेक्स्ट वगैरह मैं यहाँ पर एडिटिंग करना चाहूँ तो मैं इजीली एडिट कर पाऊँ, यहाँ पर ऐप ऐड वगैरह कर पाऊँ। तो सिंपल है, मैं फिलहाल के लिए दोस्तों इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते वर्ड आर्ट वर्ड स्टाइल 1 के ऊपर में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे हेडलाइन टाइप करना है। तो इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करते होम के ऊपर में जाकर नॉइज स्पेसिंग, यहाँ पर मेरे पास फॉन्ट है दोस्तों ये वाला 102, इसका बोल्ड वर्जन भी मिल जाएगा। तो सिंपल इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर टाइप करूँगा हेडलाइन कैप्स लॉक ऑन करते हुए। तो यहाँ पर फटाफट से हेडलाइन टाइप करूँगा, इसको फॉन्ट बड़ा करूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा लुक लगे। इसको मैं कंट्रोल होल्ड करते हुए कभी करूँगा, बार बार मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा दोस्तों। जो भी इसके अंदर अप्लाई करना है तो मैं इसको फटाफट से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसको सेलेक्ट करना है। अब इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर कॉलर फिल करना है दोस्तों, ये वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको नीचे और ऊपर जहाँ पर आपको प्लेसमेंट करना है इसको थोड़ा सा बड़ा करते हुए या फिर आपको थोड़ा सा मैनेज वगैरह करते हुए आपको यहाँ पर अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हुए मैं इसको अप्लाई करूँगा और इसको मैं यहाँ से प्लेसमेंट करूँगा। तो दोस्तों ये कितना प्यारा तरीके से हेडलाइन भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। आपको जो भी लोगो वगैरह कंपनी के लिए है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जस्ट मैं इसको लोगो के लिए एक बार से बना लेता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको आउटलाइन ये वाला रहूँगा और यहाँ पर सेफ फिल नो फिल करूँगा और आपको सिंपली ये वाला टेक्स्ट ऐड करते कंट्रोल होल्ड करते कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लोगो। तो इसको मैं फटाफट से लोगो इसको सेट करते हुए थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करते हुए यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। आपको जो भी लोगो है दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, यानी कि आपको जो भी लोगो वगैरह अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। जस्ट मैंने यहाँ पर एक वाला ये वाला शेप क्रिएट कर लिया। तो और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट वगैरह है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसको कंट्रोल होल्ड करते यहाँ पर मैं कॉपी किया, इसको मैं टाइप करूँगा सेट करूँगा कवर हेडलाइन और सिंपली इसको मैं यहाँ पर टाइप करूँगा हेडलाइन कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करना है, मे बी 28 या फिर 36 के आसपास करना है 36, और इसको मैं यहाँ पर 36 के आसपास करूँगा ताकि सब कुछ यहाँ पर इजीली फिक्स हो जाए। तो इसको ऊपर की तरफ क्लिक करते इसको मैं यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए इस वाले को मैं यहाँ पर ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ ताकि दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक लगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी टेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर मुझे मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं क्लिक करते हुए स्पेसिंग यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इक्वल्स टू आर एंड रेन ब्रैकेट ओपन 1 ब्रैकेट क्लोज इंटर और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके का एक टेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ, इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ। जस्ट मैंने आपको यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए अप्लाई किया है दोस्तों। आपको जो भी टेक्स्ट है आप वही टेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। इसको फॉर्मेट से फिल नो फिल सेप आउटलाइन नो आउटलाइन करते हुए इसको मैं यहाँ पर प्लेसमेंट करूँगा
और इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट करूँगा और इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा ताकि यहाँ पर और भी ज़्यादा सुंदर सा लुक लगे। तो इसी को मैं यहाँ पर और भी कंट्रोल होल्ड करते हुए इसको कॉपी करते हुए यहाँ पर और टेक्स्ट वगैरह में इसको सेलेक्ट करना चाहूँगा ताकि इसको और भी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से लुक दिखे। तो इसको मैं लिफ्ट करूँगा और यहाँ से मुझे जितना पार्ट चाहिए तो उतना पार्ट यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करते हुए डिलीट करूँगा और यहाँ पर मुझे इसको प्लेसमेंट करना है। दोस्तों देखिए कितना प्यारा लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ ब्लैक कलर, सेम प्रोसेस। और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँगा, इसी को कंट्रोल होल्ड करते यहाँ पर कॉपी करूँगा। इसको मैं ब्लैक कलर यहाँ पर फिल करूँगा। यहाँ पर मुझे ये वाला टेक्स्ट अप्लाई करना है तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ और इसको कंट्रोल या फिर इसको आपको नीचे की तरफ और इसको कंट्रोल होल्ड करते हुए इसको कॉपी करते हुए यहाँ पर आपको प्लेसमेंट करना है ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा एक लुक लगे। तो आप यहाँ से और भी ज़्यादा इसके ऊपर में टेक्स्ट इस तरीके से अप्लाई करना चाहते हो तो ईजिली अप्लाई कर सकते हो ताकि दिखने में काफ़ी कूल लगता है। तो देखिए इतना तक तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और भी यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट है आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यहां पर मुझे ये वाला ही टेक्स्ट अप्लाई करना है। कंट्रोल होल्ड करते इसको कॉपी कर रहा हूं और इसको थोड़ा सा इस तरीके से मेंटेनेंस करते हुए यहां पर इसको वाइट कलर के ऊपर मैं फिल कर रहा हूं ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा लुक लगे। दोस्तों देखिए यहां पर काम हो चुका। अब मैं यहां पर थोड़ा सा और भी टेक्स्ट यहां पर अप्लाई करना चाहूँगा तो उसके लिए जस्ट मैं यहां पर इसको कंट्रोल होल्ड करते हुए कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहां पर प्लेसमेंट करूँगा और यहां पर मुझे इसको इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए सेलेक्ट करना और यहां पर टाइप करना है लोम। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने ये वाला टेक्स्ट टाइप किया। इसको छोटा करूँगा मे बी 18 के आसपास फॉन्ट और इसको आप शायद बोल्ड कर सकते हो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिया है जस्ट इसको आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। इसको मैं यहाँ पर कलर दूंगा ये वाला कलर और इसको सेटल करते हुए ये वाला कलर जस्ट अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाहूँगा यहाँ पर कुछ टेक्स्ट और इसको थोड़ा सा इधर के साइड रखूँगा तो ये भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। जस्ट इसको राइट साइड करूँगा और यहाँ पर और भी राइट साइड करूँगा इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ यूनिक सा फॉन्ट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर ये वाला इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करते हुए वर्ड स्टाइल 1 और इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करते हुए यहाँ पर टाइप करूँगा। सबसे पहले तो नॉइज स्पेसिंग करूँगा और यहाँ पर अप्लाई करूँगा ये वाला और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ यूनिक से फॉन्ट से अप्लाई करना है। दोस्तों मैंने ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट किया है मेलीव्यू बोलकर। इस फॉन्ट को मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँगा तो इसको मैं यहाँ पर नीचे की तरफ यूज़ करूँगा और इसी को यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लिक करते हुए इसको सबसे पहले तो रोटेट करना चाहूँगा ताकि ये मुझे ज़्यादा कुछ इस तरीके से अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पर इसको मैं कलर सेलेक्ट करूँगा दोस्तों ये वाला ही सेम कलर और इसको भी यहाँ से मुझे ये वाला कलर सेलेक्ट करना है ताकि दिखने में और भी प्यारा लुक लगे। उसके बाद दोस्तों ये वाला फॉन्ट सेम अप्लाई करूँगा कंट्रोल होल्ड करते हुए। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लोम और इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करूँगा मे बी 26 के आसपास और उसके बाद इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर टाइप करूँगा कंट्रोल ए और यहाँ पर टाइप करूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से टेक्स्ट टाइप किया। अभी मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल होल्ड करते हुए इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए फॉन्ट ये वाला कलर दूंगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा लुक लगे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा 28 या फिर 36 ये भी अच्छा ही लग रहा है तो इसको यहाँ पर 28 के आसपास करूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। और जो भी टेक्स्ट है आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आप यहाँ पर अप्लाई कर सके। इसको कंट्रोल होल्ड करते हैं यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद ये वाला टेक्स्ट मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है तो इसको मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगा ताकि दिखने में कुछ प्यारा सा एक लुक निकल कर आ जाए। इसको मैं सेटल करते ब्लैक कलर फिल करूँगा। आप चाहे तो इसके ऊपर मैं टेक्स्ट वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ पर अप्लाई करना है जस्ट इसको मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ। दोस्तों दो पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके। अब आपको सिंपली यहाँ पर फिर से कवर हेडलाइन अप्लाई करना है। इसको कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको मैं फॉन्ट कलर दोस्तों वाइट करूँगा। वाइट करने के बाद दोस्तों इसको कंट्रोल होल्ड करते नीचे की तरफ यहाँ पर हेडलाइन टाइप करूँगा और यहाँ पर मुझे इसको सिंपल है दोस्तों इसके ऊपर मैं यहाँ पर कलर येलो टोन देना चाहूँगा ताकि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक लगे। तो इसको मैं राइट साइड के इधर करूँगा और उसके बाद यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आपको अप्लाई करना है यानी कि मैं इसको फॉन्ट छोटा करूँगा मे बी 20 के आसपास और इसको भी 20 के आसपास करना ये भी मे बी इसको 22 और इसको भी 22 सेम। तो यहाँ पर मुझे इसको अप्लाई करना है जस्ट इस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट करते हुए
और इसको यहाँ से इधर रखूँगा। तो रखने के बाद दोस्तों आपको जो भी टेक्स्ट और अप्लाई करना है तो यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसको राइट अलाइनमेंट करते हुए इस तरीके से आप यहाँ पर मैनेज वगैरह कर सकते हैं। आपको जो भी कलर स्केपर में देना है आप दे सकते हो कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर इतना तो काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसी को इधर के साइड करूँगा, इसको भी इधर के साइड करूँगा। उसके बाद दोस्तों और टेक्स्ट यहाँ पर आपको जो भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर लीजिए। मैं फटाफट से यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, ये इसको कॉपी करना है, कंट्रोल होल्ड करते हुए इसी को इस तरीके से यहाँ पर कॉपी करूँगा, इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा, इसको कलर लूँगा दोस्तों वाइट कलर। आप चाहे तो जो भी आपको कलर पसंद है आप दे सकते हो। तो इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको सेम अप्लाई ब्लैक कलर करूँगा, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। उसके बाद दोस्तों इसको ऑन बोल्ड करूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा लुक लगे। उसके बाद दोस्तों इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, इसको ब्लैक कलर दूंगा और इसको इधर की तरफ से इस तरीके से यूज करूंगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा एक लुक लगे। इसको मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कुछ टू आर एंड रेन ब्रैकेट ओपन वन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर आपको काम करना है, इसको सेटल करते हुए फंड आपको 10 के आसपास देना है, इसको भी सेटल करते हुए 10 और उसके बाद इसको सेटल करते हुए जस्टिफाई, जस्ट इसको भी आपको सेटल करते हुए जस्टिफाई ताकि यहाँ पर इजी तरीकों से दोनों एडजस्ट हो जाए। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर दोनों एडजस्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से मैनेज करते हुए एडजस्ट वगैरह टेक्स्ट के ऊपर में कर सकते हो। ओके उसके बाद दोस्तों आपको और टेक्स्ट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है जस्ट इसके ऊपर में ब्लैक कलर या फिर वाइट कलर, आप चाहे तो दे सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पर वाइट कलर देकर मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों ये अप्लाई करने। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट हो चुका है। अब आपको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जस्ट मैंने इसको कंट्रोल होल्ड करते हैं 5, 6, 7, 8, 9 कुछ इस तरीके से सेटल करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लुक निकालने के लिए। जस्ट इसको मैं यहाँ पर ब्लैक कलर अप्लाई करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से मैंने कंप्लीट यहाँ पर एक ब्रोशर डिज़ाइन क्रिएट कर चुका हूँ दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर। आप भी इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर ब्रोशर डिज़ाइन क्रिएट कर पाओगे। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आते हो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नई टॉपिक के ऊपर में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।